आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जिनके इन्वेंशंस को इंडिया के 23 स्टेट्स में यूज किया जाता है और ये 13 से ज्यादा देशों में इम्पोर्ट हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचलम मुरुगानंथम की, जो आज पैडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म 1962 को कोयम्बटूर के एक छोटे से गाँव में हुआ था। इनका बचपन गरीबी में गुजरा क्योंकि इनके पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वहीं इनकी माँ एक फार्म लेबरर के तौर पर काम करती थी। इसी कारण से इन्हें 14 वर्ष की उम्र में अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और इन्होंने तभी से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में इन्होंने मशीन ऑपरेटर, फार्म लेबरर और वेल्डर जैसे काम किए। फिर 1998 में इनकी शादी शांति नाम की एक लड़की से हो गई। ये अपनी वाइफ के लिए हर हफ्ते कुछ नया गिफ्ट लाते थे, पर जब एक बार इन्होंने अपनी वाइफ को इनसे कुछ छुपाते देखा तो इन्होंने पूछा कि क्या छुपा रही हो। इनकी वाइफ ने कहा, ये आपके काम की चीज नहीं है। फिर उन्हें पता चला कि ये अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए इतना गंदा कपड़ा यूज करती हैं, जिससे वो अपना स्कूटर भी साफ करना पसंद नहीं करते। उस समय उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में पता था, तो इन्होंने अपनी वाइफ से उन्हें यूज करने के लिए कहा। तो इनकी वाइफ ने कहा, अगर मैं सैनिटरी नैपकिन्स यूज करूंगी तो हमारे घर का बजट बिगड़ जाएगा। जैसे कि मुरुगानंथम को गिफ्ट देने की आदत थी, तो इन्होंने इस बार सैनिटरी नैपकिन्स देने का फैसला करा और वो मेडिकल स्टोर पे नैपकिन लेने चले गए। लेकिन जब शॉपकीपर ने उसे अच्छे से पैक करके दिया तो इनके मन में एक सवाल आया कि ऐसा भी क्या है इसमें जो आप इसे इतना पैक करके दे रहे हो। जब उसी पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें कॉटन के पैड्स थे। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ के लिए खुद ही पैड्स बना दूं, उससे हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा। मुरुगानंथम ने 2 दिन की मेहनत के बाद एक पैड बना लिया और अपनी वाइफ को यूज करने के लिए दे दिया। तो उनकी वाइफ ने बताया कि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऐसे उन्होंने बहुत सारे सैंपल्स बनाए, पर हर एक सैंपल को टेस्ट करने के लिए 1 महीने का टाइम लगता था क्योंकि पीरियड्स एक मंथली साइकिल है। तो इन्होंने 1-2 बार अपनी यंगर सिस्टर को भी कांटेक्ट करा, लेकिन 1-2 बार यूज करने के बाद उनकी सिस्टर ने भी उसे यूज करने से मना कर दिया। फिर इनके दिमाग में मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से ये टेस्ट कराने का आइडिया आया और वहां भी सिर्फ कुछ ही लड़कियां इस टेस्ट के लिए रेडी हुई और सैनिटरी पैड्स के काम ना करने की वजह से उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई सच्चे मन से कुछ काम करने की ठान ले तो वो काम कैसे ना कैसे होकर ही रहता है। फिर इन्हें आइडिया आया कि ये इन पैड्स को खुद पे यूज करेंगे और इन्होंने एनिमल ब्लड लेके ये खुद पे यूज करना शुरू कर दिया। ऐसे में कई बार ब्लड इनकी ड्रेस पर लग जाता था, जिससे इनके आसपास के लोग इनसे दूर होने लगे और सबने ये सोच लिया कि इन्हें कोई सेक्सुअल बीमारी है। लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और 2 वर्षों तक रिसर्च करने के बाद इन्हें ये पता लगा कि कमर्शियल पैड सेल्यूलोस फाइबर का यूज करते हैं, जो गीला होने पर भी शेप नहीं चेंज करते। लेकिन इनको बनाने वाली मशीन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए थी। ये देख के मुरुगानंथम ने अपनी खुद की मशीन बनाने का फैसला करा और अपनी 4.5 साल की मुश्किल भारी रिसर्च के बाद इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी कीमत केवल 65,000 रुपए थी और यूज करने में भी काफी सिंपल थी। इस आइडिया को लेके ये IIT मद्रास गए और इनके आइडिया को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला और साथ ही साथ सीड फंडिंग भी मिली, जिसकी मदद से इन्होंने जयश्री इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया। मशीन का इजी टू यूज और कम कीमत की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने इन्हें इसे कमर्शियल करने का ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। ये इस मशीन को ज्यादातर रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देते हैं, जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। और आज की तारीख में इनकी एक सोच ने लाखों महिलाओं को रोजगार दिया और सबसे जरूरी बात, ये कई IIM, IITs और विदेशों में लेक्चर दे चुके हैं और इनके ऊपर एक प्राइज विनिंग डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। 2016 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया और जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन भी इन्हीं की जिंदगी पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा।